इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनू गोयत के बारे में। 16 दिसंबर 1994 को हरियाणा के कुंगर गांव में मोनू गोयत का जन्म हुआ। मोनू गोयत के चाचा जी विजेंदर सिंह जी अपने जमाने के बहुत बड़े कबड्डी प्लेयर थे। उन्हें इस तरह से खेलते हुए देखकर मोनू गोयत काफी ज्यादा इंस्पायर हो गए और उन्हें भी स्पोर्ट्समैन बनने की इच्छा हुई। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। उनके कबड्डी की इस जर्नी में उनके चाचा जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने मोनू गोयत को इंस्पायर किया लेकिन उन्हें कबड्डी की ट्रेनिंग भी देकर एक कबड्डी एक्सपर्ट बना दिया। और आगे चलकर मोनू गोयत की ट्रेनिंग का जिम्मा उठाया कोच जसवीर सिंह ने। देखते ही देखते मोनू गोयत कबड्डी में इतने माहिर हो गए कि उनका सिलेक्शन कई सारे कबड्डी टूर्नामेंट्स में होने लगा। लेकिन मोनू गोयत के कबड्डी करियर पर 4 चांद लग गए प्रो कबड्डी के साथ। मोनू गोयत ने अपने प्रो कबड्डी करियर की शुरुआत सीजन 4 में बंगाल वॉरियर्स के साथ की। अपने डेब्यू सीजन में ही उन्होंने 13 मैचेस में 59 पॉइंट्स कमाए, जिस वजह से उनका नाम लीग के टॉप 15 रेडर्स में शामिल हो गया। मोनू गोयत का ये परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन काफी ज्यादा बुरा भी नहीं था। प्रो कबड्डी सीजन 5 में हमें मोनू गोयत पटना पायरेट्स की जर्सी में दिखाई दिए, और यही वो सीजन था जब उन्होंने साबित कर दिया कि मोनू गोयत क्या चीज है। उन्होंने ना सिर्फ पूरी लीग में 191 रेड पॉइंट्स कमाए पर पटना पायरेट्स को प्रो कबड्डी के उस सीजन में जीत भी दिलाई। रनिंग, हैंड टच और एस्केप जैसे कई सारे स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर मोनू गोयत सबके दिलों पर छा गए। अपने इसी तगड़े परफॉर्मेंस की वजह से मोनू गोयत सीजन 6 के ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। पूरे 1.51 करोड़ की कीमत पर हरियाणा स्टीलर्स ने मोनू गोयत को अपनी टीम में ले लिया। उसके बाद हम मोनू गोयत को यूपी योद्धास की टीम में भी देख चुके हैं। प्रो कबड्डी के अलावा मोनू गोयत ने एशियन गेम्स और कबड्डी मास्टर्स जैसे नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लिया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अभी हो रहे प्रो कबड्डी सीजन 8 में मोनू गोयत पटना पायरेट्स में वापस आ गए हैं। प्रो कबड्डी सीजन 8 के लिए और लाइफ में आगे आने वाले सभी चैलेंजेस के लिए मोनू गोयत को ऑल द वेरी बेस्ट। दिस वॉज वेदांत वैद्य साइनिंग ऑफ।